हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 4 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जो कि है कोस्टल रीजंस एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैंगे, उसको किस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या हैं और आइसलैंड क्या है। तो इस पे हम आप देख रहे हैं इस मैप में, इसमें हमें हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का डायग्राम दिखाई दे रहा है और इसी के साथ में ये है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो आप देख रहे हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो कहाँ पर है, हमारे जो मैप की बाउंड्री है ना। मतलब जो हमने ईस्टर्न घाट्स पढ़े थे, वेस्टर्न घाट्स पढ़े थे, उसके बगल से जुड़ा हुआ जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है वह क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन्स कहलाता है। समुद्र के किनारे का जो मैदानी भाग होता है वह वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहलाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं जो कि समुद्र के बीच में है, इन छोटे छोटे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, इन छोटे छोटे बिंदुओं को हम आइलैंड कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर जो कि है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स एंड देयर डिविजन्स। इंडिया हैज़ लॉन्ग कोस्टल लाइन नियरली अबाउट 7,517 किलोमीटर लॉन्ग, विच इंक्लूड्स द कोस्टल प्लेन्स ऑफ द मेनलैंड एंड टू आइसलैंड ग्रुप्स। द वेस्ट वी हैव द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड टू द ईस्ट वी हैव द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दे आर spread from each other by the Deccan Plateau but meet at Kanyakumari। ये यहाँ से चालू होते हैंगे और इस वाले के यहाँ से स्टार्ट होते हैं और जा कर के कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में जा कर के दोनों जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो आकर के यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। The western coastal plains cover a narrow strip of land about 65 kilometer in width. It is situated between the western ghat and the Arabian Sea. जैसा कि आप देख रहे हैं ये अरेबियन सी है और ये आपके वेस्टर्न घाट हैं, इसके बीच का जो एरिया है 65 किलोमीटर वाइड, ये एरिया आपका क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। इट बिगेन फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ, पासिस थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड एंड्स विथ कन्याकुमारी। इट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, passes through Maharashtra, Goa and ends at Kanyakumari. This the plain narrow down from north to south. ये जो plain है आप देख रहे हैं ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं ये सकरा होता चला जा रहा है, narrow होता चला जाता है। The western coastal plains have been divided into three important parts. इसको हम तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट इन द मिडिल एंड द मालाबार कोस्ट इन द साउथ। गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट, इसको हम इस तरह से तीन भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के लोगों की लाइफ स्टाइल क्या होती है। गुजरात, दमन एंड दीव कॉन्स्टिट्यूटेड द नॉर्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स।
मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, व्यापारी होते हैं या किसान होते हैं। वीट इज द मेजर क्रॉप ग्रोन हेयर अहमदाबाद इन गुजरात इज नोन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सॉल्ट इज मेड इन कोस्टल एरियाज, अहमदाबाद में क्या है, कपड़ों की इंडस्ट्रीज है और इस क्षेत्रों में सॉल्ट मेड किया जाता है, नमक बनाया जाता है। गरबा एंड डांडिया रास डांसेस आर द फेमस फोक डांसेस ऑफ दिस रीजन। कोकोनट इज वाइडली यूज इन फूड अलोंग द कोंकण एंड द मलावीर हिल। मलावार कोस्ट और कोंकण को छोड़कर के हर जगह पे अधिकांश रूप से क्या यूज किया जाता है, कोकोनट यूज होता है। कोकोनट यूज लीव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स बैम्बूज ब्रूम्स एंड बोट टॉप्स। जो कोकोनट की पत्तियां हैं उसका यूज़ काय के लिए किया जाता है, रस्सियां बनाने के लिए, झाड़ू बनाने के लिए और नाव के ऊपर जो टॉप होता है उसको बनाने के लिए। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल्स, फिशिंग और फार्मिंग यहाँ की मुख्य धंधे हैं। द कोंकण एंड मालाबार कोस्ट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर। ये भी कोंकण और मालाबार कोस्ट भी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर है। द ब्यूटिफुल बीचेज एंड चर्चेज ऑफ गोवा अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो बीच हैं गोवा के और वहाँ के चर्च हैं वो पूरे विश्व के लोग पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। कर्नाटका हैज ट्रैक एंड सैंडलवुड फॉरेस्ट। कर्नाटका में क्या है, चंदन की लकड़ी के जंगल हैं। द हिल्स ऑन द कोंकण कोस्ट रीचेज अप टू द सी, है ना, ये कहाँ तक जाते हैं, यहाँ के जो कोंकण कोस्ट के पहाड़ वो समुद्र तक जाते हैं। लाइट हाउसेज बिल्ट ऑन द हिल्स वॉर्न द शिप्स अबाउट सॉलो वाटर एंड रॉक इन द वाटर। ठीक है, तो ये सब पहाड़ चूँकि समुद्र तक जाते हैं तो यहाँ पर क्या बने रहते हैं, लाइट हाउसेस बने रहते हैं। इन लाइट हाउसेस से पता चलता रहता है कि आगे जमीन या पहाड़ आदि हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आपके लाइट हाउसेस होते होंगे, कोकोनट के ट्रीज होते हैं, कोकोनट शेल्स। द पीपल ऑफ केरलाज आर गुड क्राफ्ट पर्सन, वहाँ के लोग अच्छे क्राफ्ट पर्सन भी होते हैं। एंड वर्क विद द कोकोनट शेल वुड स्टोन एंड मेटल्स। ओनम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, यहाँ का फेस्टिवल क्या है, ओनम है। नाउ अब हम आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रेफर टू द वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड लेइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट से ये स्टार्ट होते हैं बे ऑफ बंगाल के किनारे किनारे, ठीक है, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, है ना, ये रहते हैं। और इसकी जो एवरेज विड्थ है वो 120 किलोमीटर की है। रिवर्स लाइक महानदी गोदावरी कावेरी कृष्णा रन्स थ्रू दिस प्लेन्स। यहाँ पर क्या, महानदी गोदावरी कृष्णा ये सब इन्हीं प्लेन्स से होते हुए बे ऑफ बंगाल पर जाती हैं। टू फॉर्म लार्ज डेल्टाज दस मेकिंग द रीजन वेरी फर्टाइल। तो यहाँ पर इन नदियों के कारण क्या होता है, डेल्टा बन जाते हैं जिससे ये एरिया, ये क्षेत्र जो है वो कैसा हो जाता है, बहुत उपजाऊ हो जाता है। द रीजन रिसीव रेन्स फ्रॉम बोथ द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट मानसून। तो इधर पर पानी भी इनको बहुत आराम से मिलता है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से भी आपको और साउथ वेस्ट मानसून, दोनों मानसूनों से यहाँ पर पानी उपलब्ध होता है। इट हैज़ टू ब्रॉड डिवीज़न, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न सिरकास, नॉर्दर्न सिरकास।
while the southern part is called the Coromandel Coastal. That is Coromandel. 20 से आधा करके इसको दो भागों में बांट दिया गया जाता है. तो अब हम देखते हैं लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के लोगों का जीवन कैसा रहता है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है. फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द दिस एरिया. यहाँ के लोग क्या करते हैं, किसानी करते हैं और मछली पकड़ते हैं. राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन. यहाँ के लोगों का खाना क्या है, राइस है, चावल है. अदर मेन क्रॉप्स आर शुगर केन, कॉटन, टोबैको, कोकोनट एंड बनाना. राइस के अलावा ये लोग और क्या क्या उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं, कॉटन है, टोबैको है, कोकोनट है और बनाना, इनकी ये खेतियाँ करते हैं. द चिल्का लेक इन ओडिशा विथ इट्स बर्ड सेंचुरी इज द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. चिल्का लेक जो ओडिशा में है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन का सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर बर्ड सेंचुरीज भी हैं. वेस्ट बंगाल विशाखापट्टनम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द नॉर्दर्न सिरकास. तो विशाखापट्टनम और वेस्ट बंगाल यहाँ के मेजर सी पोर्ट्स हैं. वेयर एज चेन्नई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द कोरमंडल कोस्टल. और चेन्नई जो है वो कोरमंडल कोस्टल का सी पोर्ट माना जाता है. ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा द रिवर्स कावेरी फॉर्म्स इट्स डेल्टा अलॉन्ग द कोरमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु. पांडिचेरी वॉज वंस अ फ्रेंच कॉलोनी, नाउ इट इज यूनियन टेरिटरी. फेमस फॉर द सर ऑरबिंदो आश्रम विच अट्रैक्ट पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यहाँ पर क्या है, पांडिचेरी में सर ऑरबिंदो आश्रम है, गुरु अरबिंदो का आश्रम है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है. द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी. दोनों ही पॉइंट कहाँ पर आकर के मिलते हैं, कन्याकुमारी में आकर के मिलते हैं. द थ्री वाटर बॉडीज द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड, द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ कवर देयर. तो यहाँ पर जो कन्याकुमारी वाला भाग है यहाँ पर तीनों समुद्र आके मिलते हैं, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी. ठीक है, अब हम देखते हैं आइलैंड्स. एन आइलैंड इज एन ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. तो आइलैंड क्या होते हैं, जहाँ पर एक ज़मीन है और उसके चारों तरफ समुद्र है. देयर आर टू बिग आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया. हमारे पास दो आइलैंड के ग्रुप्स हैं. पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. ये आप देख रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि ये है और ये बे ऑफ बंगाल में है और ये हमारे भारत का हिस्सा है. ये पूरा इंदिरा पॉइंट तक हमारा जाता है इन क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. और दीज आइलैंड्स आर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थ्रू द क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल हेयर, द वेदर इज प्लीजेंट ड्यू टू द कूल सी ब्रीज. यहाँ का तो मौसम क्या रहता है, हमेशा बहुत कूल बना रहता है. चलिए तो अब अपन देखते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे वहाँ पर आप लोग रहते हैं. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज ए ग्रुप ऑफ 325 आइलैंड्स. यहाँ पर 325 आइलैंड्स हैं विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन आइलैंड ग्रुप्स, द अंडमान आइलैंड टू द नॉर्थ एंड द निकोबार आइलैंड टू द साउथ. दीज आइलैंड्स आर ऑन ऑफ वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, ये आइलैंड क्या है, इंडिया के यूनियन टेरिटरी हैं. सम आइलैंड इन द ग्रुप इज
आर वॉल्केनिक ओरिजिन, ये आइलैंड कैसे बने हैं, कुछ तो वॉल्केनिक ओरिजिन के कारण बना है। दे आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट एंड ओनली सम आइलैंड्स आर इनहैबिटेटेड। ठीक है, ये आइलैंड क्या है, बहुत घने जंगलों से बसे हुए हैं, भरे हुए हैं, और कुछ ही आइलैंड में लोग रहते हैं। मोस्ट ऑफ द इनहैबिटेड आर ट्राइबल्स, यहाँ पर कौन रहते हैं, आदिवासी। पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हैव सेटल्ड हियर, अब बहुत सारे भागों से लोग यहाँ के रहने लगे हैं। मेन ऑक्यूपेशन ऑन दीज आइलैंड्स आर फिशिंग एंड फार्मिंग, क्या क्या करते हैं ये लोग, फिशिंग करते हैं और फार्मिंग करते हैं। राइस एंड माइस, कोकोनट, पाइनएप्पल एंड पपाया आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। राइस, माइस, कोकोनट, पाइनएप्पल, पपाया यहाँ के मेन क्या है, क्रॉप्स हैं। द थिक फॉरेस्ट ऑन द आइसलैंड प्रोवाइड टीक एंड रबर, तो यहाँ पर क्या मिलता है, टीक और रबर भी मिलता है। लक्षद्वीप, तो ये जो लक्षद्वीप है ये हमारा सेकेंड आइलैंड का है। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ 36 आइलैंड कवरिंग एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे 36 आइलैंड्स हैं और 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। दे आर फ्लैट एंड सैंडी, ये कैसे हैं, फ्लैट हैं और रेतीले हैं। दीज आइलैंड्स आर नोन एज कोरल आइसलैंड, इनको क्या कहते हैं, कोरल आइसलैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कोरल डिपॉजिटेड। कोरल क्या होता है, रेत होती है। तो कोरल क्या होती है, समुद्र की रेत होती है, और इस रेत के इकट्ठे होने से ये आइसलैंड बने हैं। कोकोनट इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन एंड फिशिंग इज द मेन इंडस्ट्री, तो यहाँ पर क्या होता है, नारियल के खेत की खेती की जाती है और मछली पकड़ने का काम किया जाता है, और ये मेन इंडस्ट्रियल वर्क भी है। ओनली 11 ऑफ दीज 36 आइलैंड्स आर इनहैबिटेटेड, केवल 11 आइसलैंड ऐसे हैं जहाँ पर जीवन लोग रह रहे हैं। द पीपल ऑफ दीज आइलैंड्स स्पीक जेसरी एंड महा, इस यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, जेसरी और महा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो कोस्टल लाइन है वो 7517 किलोमीटर में फैली है, इसको दो भागों में हमने बांटा है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपने गुजरात, कोंकण, मालाबार कोस्ट को देखा, और ईस्टर्न में आपने सिरकस और कोरमंडल कोस्ट को देखा, और अंडमान निकोबार आइसलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है उसको देखा, और लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है उसको देखा। तो इस प्रकार से हमने इस लेसन में आइलैंड और कोस्टल प्लेन्स देखे, और इस लेसन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्यूशंस में आपको आपकी क्लास में भेज दूंगा। तो आप बच्चे लोग अपना ध्यान रखेंगे, घर पे रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोग जो उसके फिल इन द ब्लैंक्स है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैच पेयर है, उसको खुद से करने की कोशिश करें, ताकि आप लोग आसानी से चीज़ें देख सकें और समझ सकें। तो बच्चों ध्यान रखिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करिए।